सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को माता का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोग इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे तोड़ने से पहले कुछ नियम जान लेना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं वह नियम। तुलसी महारानी भगवान नारायण की प्रिया हैं, वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए तुलसी महारानी को भगवान के निमित्त से ही तोड़ना चाहिए या लेना चाहिए। जब भी हम तुलसा जी लेने जावें तो उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि हे मैया, मैं भगवान के लिए आपको ले जा रहा हूँ नैवेद्य लगाने के लिए या भगवान की पूजा में, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, वह सहर्ष स्वीकार करेंगे। और शालिग्राम की सेवा में तुलसा जी बहुत अनिवार्य है, बिना तुलसा जी के शालिग्राम की सेवा फलीभूत नहीं होती है। और तुलसा जी रविवार के दिन स्पर्श भी निषेध है, तोड़ना भी निषेध है, जल चढ़ाना भी निषेध है। ऐसे में यदि हमें तुलसा जी की आवश्यकता है तो पूर्व में टूटी हुई तुलसा जी, उनकी पत्ती, उनका बीज, उनकी डंडी, इन सब से यह कार्य संभव हो सकता है। हम भोग लगा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसा जी भगवान श्री हरि के समान ही है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, उनको बिना अनुमति से तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तुलसा जी के समीप में घी का दीपक लगाने से लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान शिव जी को भी तुलसा जी चढ़ाई जाती है, जिससे हरि हर मिलन में भगवान शिव जी को तुलसा जी और भगवान नारायण को बिल्व पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे कि उन दोनों की प्रसन्नता, उन दोनों की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।